गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे, और मेरे पापा का ऐसे डिटेंट हो गया था तो वहीं हम गए थे। गए तो यही लॉकडाउन हो गया, मेरे पास खाने होने के लिए पैसा उसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए, तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। आगे उनको कोई कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए, और कोई कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। दो दिन हम लोग भूखले थे तो दो दिन भूखा थे, या 10 बजे कल गए हम लोग और 7 दिन में पहुँच गए। गुरुग्राम हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे थे, लॉकडाउन में फंस गए थे। खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रहा था, कमरा मालिक भी काफ़ी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो भाई लॉकडाउन ख़त्म होगा, काम करके उसको दे देंगे पैसा काम करके, लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हो गया, वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफ़ी दबाव था राशन पानी का भी, भूखमरी भी हो गया था, पैसे वैसे था नहीं। फिर भी मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से, मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। तो बोला जितने पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे। तो बेटा हम वजनदार हैं फिर भी नहीं ले जा पाओगे, फिर भी कोशिश करें, चलिए देखते हैं पापा हिम्मत तो कीजिए आप, कम से कम लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे, तो किसी तरह हमें वहाँ लेके आया वहाँ से, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते वहाँ पे।